चाचा जी आज का दंगल तो हो गया, उसी बात पर हो गया दंगल जहां मैंने गीत गाया था, ये बेदाग दामन दागदार हो रहा है और क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। मैंने उसमें पूछा था आखिरकार क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, और जवाब अगर ऐसे आता उसमें लिखा हुआ होता यूं बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, जिसमें मैंने चार बंदिशें गाई थी। पहला, गर्भ में बेटियों को मरवा दिया जाता है। दूसरा, शादी होने के बाद बेटियों में आग लगा दी जाती है। आखिरकार क्यों हो रहा है ऐसा अत्याचार? जिस बात को मैं कह रहा था उसी बात को मुकेश भाई कह रहे हैं कि जला दी जाती हैं बेटियां और वही बेटियां लक्ष्मी होती हैं, उसी बात को तो मैं कह रहा था, आप क्या नया कह करके चले गए। जवाब जब माना जाता है उसका जवाब आता यूं, क्यों का जवाब होता है यूं। मैं कह रहा हूं क्यों बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, आप भी कह रहे हैं शर्मसार हो रहा है, पूरा भारत शर्मसार हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कई मतलब ऐसे कह रहा है जिन खुद ना पता। एक बात और कह रहे कि सबरे मैं नहीं जी, अरे हम तो मैं नहीं है, तुम में कभी मैंने बैठी। अगर इसमें भी कोई शंका है तो चेक करके देख लो, लगा हुआ साहब सुबह का। साल से बुला रहे हो आप इनको, चार पांच साल हो गई, दोहा यही होगा हर नंबर पर, बस जैसे ही दूसरा नंबर चालू होगा दोहा यही, खत्म मसाला हो कछुआ है तुम्हारे पास। चलो छंद का एक बंद होगा, उसके बाद जो इन्होंने गाया उसका जवाब सुनिएगा मेरी ओर से। आए कहना है कि कोई नाथ अनाथन के सुने कि कोई जन मन में समरसताना है, अरे कई जन जन में और
कोई भक्ति रस पाने तन जाओ, और भक्ति रस पाने तन जाओ। और कह रहे थे कि भैया पब्लिक भाई तुम्हारी समझ में आया होगा, अच्छा सबकी समझ में आया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया है। इनकी में कबू आयो साज आ जाए, क्योंकि ये लेखनी किसकी आप समझ रहे हो, ये राघव जी की लेखनी है कि कोई भक्ति रस पाने तन जाओ, अरे पन पन में कर सरताना है, अरे बेशक अनजाने बन जाओ। सा वहीं से बजा मुकेश भाई, एक छेले भी करके गए थे, जैसा ये आटे वाले गाते हैं मुकेश का अलग ही मामला है। मासा बजाओ, अपनों पे तीर गर चलाना होगा, मेरे लिए तो मर जाना होगा। हाजी कमेटी वाले हो, जितने भी हमारे मंच पर मंचासीन बैठे हैं, अरे प्रेम की गली में प्रेम रे रे ना, कि प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, अरे प्रेम की गली कलियाना सही हम फूलों से सजाएंगे, तब झिलमिल सितारों सा आंगन होगा, झिलमिल सितारों सा आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। हो हमारे गुरु बैठे हैं लल्लू राम जी, इन्हीं का आशीर्वाद है जो आज ये दिनेश तोमर इस रसियों की मंच पर ये गा पा रहा है। एक बार मैं चाहूंगा मेरे गुरु के लिए जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। कह रहे थे अंतिम मंत्र में, अरे चाल बाज है किसन कोई, चाल कोई श्रीमान है, अरे सन्मुख खड़ा शिखंडी जिसको मैंने लिया पहचान है, जिसको मैंने लिया पहचान है, जिसको आप शिखंडी कह रहे हैं यहीं से जवाब हो रहा है मेरा चालू, जहां आपने अंतिम में छोड़ा है वहीं से मेरा जवाब चालू हो रहा है। महाराज हे पितामह, तुम जिसको शिखंडी कह रहे हो वही शिखंडी के आगे आपको नतमस्तक होना पड़ा, और तो
तुम मर्द की बात करते हो, कैसे मर्द हो? अरे तुम शिखंडी का सामना नहीं कर पाए। आज जिस शिखंडी की बात करते हो उसने आपके सामने प्रस्ताव रख दिया कि मुझसे शादी करो, लेकिन आपने शादी नहीं की। अरे आप वाकई में मर्द थे तो जो शिखंडी पिछले जन्म में नारी था उससे शादी करते लेकिन नहीं की। आइए सुनेगा कि या तो रण में लीजिए या फिर दीजिए प्राण, तो रण में लीजिए या तो दीजिए प्राण, कि या तो रण में लीजिए या फिर दीजिए। मर्द हो तो लो उठा धनुष और बाण। अरे वाकई में तुम मर्दी हो तो ले उठा धनुष और बाण। आदरणीय गुरु, वाकई में तुम मर्द हो तो लो उठा धनुष और बाण। कह रहे थे निशाना, गाना गाना अलग होता है और एक्शन मोशन अलग हुआ करता है, तो हम भी कुछ ऐसे गुरु के शिष्य के एक्शन मोशन भी होगा, गाना बजाना भी होगा, मेरी जान होगा कैसे। अब कहने लगे महाराज, अरे याद है पिता महात्मको, भगवान कन्हैया कह रहे हैं सुनो, अरे याद है पिता महात्मको, अरे याद है पिता महात्मको, नारी को शिंगारी है। याद है पिता महात्मको, नारी को शिंगारी है। याद है पिता में तुमको, नारी वो चिंगारी है। आदरणीय गुरु, याद है पिता मा तुमको, शेर सिंह भैया, याद है पिता मा तुमको, नारी वो चिंगारी है। अरे शिखंडी ना समझो इसको, अब आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां अपने आप बज रही हैं। अरे याद है पिता मा तुमको, नारी वो चिंगारी है, शिखंडी ना समझो इसको, मौत ये तुम्हारी है। ओ शिखंडी ना समझो इसको, मौत ये तुम्हारी है, शिखंडी ना समझो इनको, मौत ये तुम्हारी है। ये आशीर्वाद आदरणीय हमारे शेर सिंह भैया ने दिया। कह रहे थे मुकेश भाई नोटों की बारिश हुई है मेरे ऊपर, अब ये जवाब पर नोटों की बारिश हो रही, एक बार शेर सिंह भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दें। अरे याद है पिता मा तुमको, नारी वो चिंगारी है, शिखंडी ना समझो इसको, मौत ये तुम्हारी है। शिखंडी ना समझो इसको, मौत ये तुम्हारी है। अरे पिछला वो बदला चुकाना होगा, पिछला वो बदला चुकाना होगा, पिछला वो बदला चुकाना होगा, या उसके आगे सर झुकाना होगा। पिछला वो बदला चुकाना होगा, या उसके आगे सर झुकाना होगा, पिछला वो बदला चुकाना होगा। जो पिछला बदला आप छोड़ करके आए हैं, पिछला वो बदला चुकाना होगा, या उसके आगे सर झुकाना होगा। बेटा ललित, अरे ये ना किया तो चक में खूब, ये ना किया तो चक में खूब ठुकराना हो, पिछला जो बदला चुकाना होगा, या इसके आगे सर झुकाना होगा, या इसके आगे सर झुकाना होगा। होगा
ही सुंदर से कलाकार जिनका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहता है, हमारे बहुत अच्छे हारमोनियम वादक भी हैं और बहुत अच्छे सुरीले गायकार भी हैं, हमारे टंपू भैया और कृष्ण गोपाल भैया की तरफ से आशीर्वाद मिला है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं, ये जवाब पर खुश होकर के आशीर्वाद आ रहा है। कीबोर्ड स्पेशलिस्ट हैं हमारे भाई साहब। तब कहा ललूराम उस्ताद, अरे नित पान बनते हो ज्यादा नित धर्म ना तोले, पान बनते हो ज्यादा नित धर्म आपे, नित पान बनते हो ज्यादा नित धर्म आपे, नित पान बनते हो ज्यादा नित धर्म ना यो तोले थे, ज्यादा नीतवान बनने हो आज महाराज विषम पितामह से कह रहे हैं आप ज्यादा नीतवान बनने, तो उस दिन तुम्हारी नीति और धर्म कहां चला गया था? नीतिवान बनते हो ज्यादा नीति धर्म ना यो बोले थे, और फिर आपकी तालियां बजेंगी। नीतिवान बनते हो ज्यादा नीति धर्म ना यो बोले थे, साड़ी खींची द्रौपदी की मुख से न बोले थे, साड़ी खींची गुरु की छाप लग रही है। उमेश जी ने गीत लिखा है लखनऊ वालों ने, तब मेरे गुरु की छाप कैसे लग रही है? रामवीर खूंटा ठुकाना होगा, रामवीर खूंटा ठुकाना होगा, रामवीर खूंटा ठुकाना होगा, राघव का नाम बहाना, राघव का अपना बहाना होगा या उसके आगे सर झुकाना होगा, या उसके आगे सर साच में आंच रहे, अरे हीरा तो हीरा है आखिर, अरे हीरा तो हीरा है आखिर, कोई कांच हमेशा आंच रहे, हीरा तो हीरा है आखिर। चल रही है उसका जवाब, कह रहे थे बड़े छांट छांट के काफिया लिखे हैं, मठा मठा वाह भाई वाह। अच्छा ये बताए, हाँ जी कमेटी वाले हो, ये ठाम शब्द किसी ने सुना है? अच्छा मैंने पहले ही अपनी बहर में एक चीज गाई थी कि मंगा सकाना कोई साधन जहां जिसका दाम, उसी शब्द को बोला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बजावा साहब बहर भी नहीं बन के आई अभी। कहना क्या गुरु सुनेगा, आ, 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 आ,
मजा समझ के पी गए दारू के जाम। एक और बात ताऊ जी, शराबी जो छुप छुप करके पिया करते थे, जब कोरोना आ गया तो घर में खुलेआम पीने लगे और पिलाने लगे, कैसे पियो, क्योंकि कोरोना दूर होगा। कछुन ने 300 में लाए, जो बीड़ी को मतलब 10 में आता तो वो 40 में हुए को है। अरे बजा समझ के रे, अरे बजा समझ के कोई, अरे बजा समझ के कोई पी रहे दारू के जाम। और कछुन ने तो दारू पी या कोरोना में, कछुन ने सैनिटाइजर भी पीवो चालू कर दो, आप लोग सब पाके पे। अरे बने कयो विज्ञापी को, विज्ञापी यानी विज्ञापन धारण कर लिया, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आजकल खूब विज्ञापन चल रहा है, दो गज दूरी मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आइए पहली बात सुनिएगा, अब तुम तो कोरोना की बात नहीं ला पाए, आखिरकार कोरोना की बात होती क्या है। हवाई जहाज में भर भर के वो, अरे हवाई जहाज में भर भर के ना कोरोना को लाते, हवाई जहाज में भर भर के ना कोरोना को लाते। जब जनवरी में अनाउंस हो गया, सबसे पहले एक व्यक्ति जिसको कोरोना हुआ, उसके बाद मोदी जी ने कह दिया जो विदेशों में हमारे भारत के लोग हैं उनको लेकर के आओ। जब उनको लेकर के ही आए तो सबसे पहले उनको आइसोलेट किया जाता, तब कोरोना, गारंटी देता हूं भारत में कोरोना नहीं फैलता। लेकिन आकर के आपने उनको छोड़ दिया। अरे हवाई जहाज में भर भर के ना कोरोना को लाते, हवाई जहाज में भर भर के, हवाई जहाज में भर भर के ना कोरोना को लाते। लाए थे तो सबसे पहले कर, लाए थे तो सबसे पहले उनकी जांच कराते, उनकी जांच कराते, उनकी जांच कराते, उनकी जांच कराते। लाए थे तो सबसे पहले उनकी जांच कराते, उनकी जांच कराते। संजय चाचा, अरे पप्पा सकाना कोई, मप्पा सकाना कोई फैले इतने पान, अरे मप्पा सकाना कोई फैले इतने पान। अरे बने कयो विज्ञापी कोरोना। और दूसरी बात कोरोना की और सुनो, कोरोना में हुआ क्या क्या, तुम तो जन कहां कहां की कह गई, लेकिन असली बात होती क्या है सुनिएगा एकदम से। केवल एक ही बात सर है, कोरोना में स्वागत आता है मनी। चलो छोड़ो उस बात को, छोड़ो उस बात से कोई तात्पर्य नहीं है। अरे छिप गए जो मस्जिद में जमाती, छिप गए जो मस्जिद में जमाती, छिप गए जो मस्जिद में जमाती। सब कछु याद है लेकिन मौलाना साध याद ना है, का हुए याद है, का हुए, का हुए याद है, सब भूल गए। मौलाना साध कहां गए, साध बना याद मौलाना साध, फिर मौलाना साध को कोई नंबर ही नहीं, भूल गए लोग। अरे छिप गए जो मस्जिद में जमाती, कर गए चादर मेली, कर गए चादर मेली, कर गए चादर मेली। और मेरी बात अगर सही हो तो आपकी तालियां बजनी चाहिए। अरे कर गए चादर मेली, कोरोना काल में खूब भाई है उनने तन की रैली, उनने तन की रैली, जी कैसी भैया। अरे मथा मथेनी से, वो कह रहे थे मथा, मैं कह रहा हूं मथा। अरे अरे मथा मथेनी से दिया खुद को थाम, ऐसो विज्ञापी को मठा था उनका मठा। आइए सुनिएगा अंत बंद। अरे ईश्वर से बस यही प्रार्थना, ईश्वर से बस यही प्रार्थना, ईश्वर से बस यही प्रार्थना। अरे सब संकट कट जावे,
यही कामना कर रहा हूँ उस परमपिता परमात्मा से, हे प्रभु कबहु लौट के भारत तो फिर भक्त न ऐसो आवे, भक्त न ऐसो आवे। अरे ऐसो विज्ञापी को यहाँ तक हुए सवाल और जवाब। एक सुंदर सा गीत बस आप बजाओ, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मिले। माताजी ने मुझे दिया और वाकई में रसिया वाले कुछ भी कहते रहे लेकिन जो सच्चाई है वो हमारे दोनों गुरु माता और गुरु पिता दोनों बैठे हैं। मैं तो इन्हें वाकई में गुरु समझूंगा क्योंकि इन्होंने मेरा आगरा के अंदर इतना सहयोग किया। एक वक्त ऐसा आया था कि मुझे जरूरत आन पड़ी थी तो आगरा के अंदर इन्होंने मेरा इतना सहयोग किया। मैं चाहूंगा एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाने आप इनके लिए। तब कहा जिंदगी की राहों में बेटा ललित, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मिले, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मिले। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंग गम के मिले, जिंदगी की राहों में। गुरु बस आशीर्वाद की कामना है, आप लोगों का आशीर्वाद है। बात तो समय की है, महारानी कहकर ही राजा दशरथ के सामने खड़ी हैं। रानी कहकर ने कहा महाराज जब पूरी अयोध्या नगरी के अंदर घोषणा हो गई कल मेरे बेटे राम का राज्यभिषेक होगा, यही बात मंथरा को मालूम पड़ गई। आज मंथरा रानी कहकर के महलों तक पहुंच गई जाकर के, और जैसे ही महलों तक पहुंची तो रानी कहकर को बहुत बार समझाया लेकिन रानी कहकर ने कई बार मना कर दिया मंथरा से, लेकिन ज्यादा जब प्रेशर किया दबाव डाला तो रानी कैकेयी ने कहा हो सकता है मंथरा मेरे हित की बात कह रही है, जो मंथरा कह रही है उसको कर लिया जाए। मंथरा ने कहा रानी अगर राम राजा बन गया तो तुम्हारा जो मान सम्मान और स्वाभिमान है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा करिए राम राजा ना बन पाए। कैकेयी ने कहा ऐसा क्या कारण है, क्या करूं कि तुम्हारे देवासुर संग्राम के दो वरदान महाराज के पास हैं, उन दोनों वरदानों को महाराज से मांग लो। पहले वरदान में भरत के लिए राज मांग लेना और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। आखिरकार कैकेयी ने इस बात को मान ली और जाकर के कोप भवन में लेट गई, सारा श्रृंगार उतार दिया
बिखरे हुए ग्रलियर को भवन में लेटी है और जैसे ही महाराज आज वहां पहुंचते हैं, महाराज ने कहा, रानी ये कैसी स्थिति बना रखी है तुमने? अरे तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि जो सबसे तुम्हारा प्रिय पुत्र राम है उसका कल राज्यभिषेक होगा और सबसे ज्यादा अगर तुम प्रिय हो तो वो मेरी प्रिय तुम हो, सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं। कैकेयी ने कहा, महाराज अरे तुम किन खुशियों की बात करते हो? अरे मेरी खुशी राम के राजा बनने में नहीं, मेरी खुशी तो तब है क्योंकि सब तुम्हारे पास मेरी दो अमानत बची हैं, उन अमानतों को दे दीजिएगा, मैं खुश हो जाऊंगी। महाराज ने कहा, ठीक है, क्या मांगना चाहती हो मांग लो। कि महाराज ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले आप राम की सौगंध खाइए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, रघुकुल रीते रघुकुल रीते सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे रानी ये दशरथ का वचन खाली नहीं जाएगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं तू मांग कर तो देख, दशरथ का वचन खाली नहीं जाएगा। लेकिन तरैनी कैकेयी ने कहा, महाराज नहीं, पहले आप राम की सौगंध खाइए। जैसे ही राम की सौगंध आज महाराज दशरथ ने खाई तो पहले वरदान में रानी कैकेयी क्या मांग रही सुनेगा, सुना हो प्राणपति भामत जी का, सुना हो प्राणपति भामत जी का, के हो एक बार भरत टीका, के हो एक बार भरत टीका। पहले वरदान में जैसे ही भरत के लिए राज मांगा, महाराज ने कहा, जा दिया जा दिया। जैसे ही दूसरे वरदान का नंबर आया, आज रानी कैकेयी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, तापस वेश विशेष उदासी चौदह बरस राम वनवासी। जैसे ये वनवासी शब्द सुना, आज महाराज की आंखों में आंसू आ गए। आज महाराज रानी कैकेयी के पैरों में गिर पड़े, आंखों में आंसू है, हाथ जोड़कर रानी कैकेयी से कह रहे हैं, रानी ये तूने अच्छा नहीं किया, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था, आज तूने मेरे सबसे प्रिय पुत्र राम को वनवास मांग लिया। वनवास, अरे तू कैसी माँ है, एक माँ की ममता को नहीं जान पाई। तब महाराज ने कहा, स्वच्छ सूर्य वंश में सत्यता के अंश में, स्वच्छ सूर्य वंश में सत्यता के अंश में कलंकित इतिहास मांगे मत के कई, कलंकित इतिहास मांगे मत के कई, कलंकित इतिहास मांगे मत के कई। और हे रानी, अरे और से न काम है, रोम रोम राम है, जीवन की एक आस मांगे मत के कई। हे रानी, जीवन की एक आस मांगे मत के कई, क्यों? मान शुभ कर्म की, ध्यान और धर्म की, अधर्म को एहसास मांगे मत के कई, अधर्म को एहसास मांगे मत के कई, अधर्म को एहसास मांगे मत के कई। अरे अधर्म को एहसास मांगे मत के कई। अब आपसे कहूंगा नहीं, आप स्वयं तालियां बजाएंगे। महाराज ने कहा, अधर्म को एहसास मांगे मत के कई, अरे चाहे मेरी जान ले बात मेरी मान ले, पर राम को तू वनवास मांगे मत के कई, राम को तू वनवास मांगे मत के कई। तब महाराज कह रहे रानी से, हे रानी, के कई अयोध्या की शान चली जाएगी, के कई अयोध्या की शान चली जाएगी। संजय चाचा जी, के कई अयोध्या की शान चली जाएगी, राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी शान चली जाएगी।
गया रानी तो ये दशरथ जीवित नहीं रहेगा। तब महाराज ने पहली पंक्ति में कहा, अरे राम और भरत तो मेरे नहीं दूर होने हो, मेरा राम और मेरा भरत तो दोनों खिलौने हैं, अगर एक खिलौना टूटा तो दूसरा अपने आप बिखर जाएगा, इसलिए अरे टूट जाएंगे रानी दोनों ही खिलौने हैं, छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान चली जाएगी, छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान चली जाएगी, अरे राम बन गए तो मेरी राम बन गए तो मेरी राम बन गए तो मेरी शान चली जाएगी, हो जाएगी शान चली जाएगी, हो जाएगी। दूसरी पंक्ति में महाराज ने कहा, आज महाराज गिड़गिड़ा रहे हैं रानी के सामने, लेकिन रानी बातों को मानती नहीं है, कितनी भी अरदास लगा ली लेकिन रानी मानने वाली नहीं है। महाराज ने कहा, रिश्ते और नातों में दुनिया, रिश्ते और नातों में दुनिया क्षमता न मानेगी, कुमाता कहेगी दुनिया ममता न जानेगी, ये पूरी दुनिया तुझसे कुमाता कहेगी, कोई भी आने वाले समय में अपनी बेटी का नाम कहकर ही नहीं रखेगा। रानी कौशल्या नाम रख सकता है, सुमित्रा नाम रख सकता है, लेकिन कहकर ही नाम नहीं रखेगा। क्या बात है, रिश्ते और नातों में दुनिया क्षमता न मानेगी, कुमाता कहेगी दुनिया ममता न जानेगी, इसलिए रानी रघुवंश मर्यादा की, रघुवंश मर्यादा की आन चली जाएगी। आइए तीसरी पंक्ति में महाराज आज हाथ जोड़कर, शेर सिंह भैया आज हाथ जोड़कर महाराज खड़े हैं, लेकिन रानी अपनी जिद से नहीं हटती। तब महाराज ने कहा, मैं पूरी करूंगा बेशक ये मांग तेरी, सबसे क्या घट करके आ रहा है, बस यही विप्र अखाड़े की पहचान है, यही मेरे लाला की पहचान थी, यही विप्र अखाड़े की पहचान है, मैं पूरी करूंगा बेशक ये मांग तेरी। अब आप अपने आप तालियां बजाएंगे, रानी से कहा महाराज ने, मैं पूरी करूंगा बेशक ये मांग तेरी, जो तू मांग रही है तो पूरी कर दूंगा, लेकिन सलामत रहे ना के कई ये मांग तेरी, कई इस मांग के चक्कर में ये मांगना उजड़ जाए। लल्लू राम उस्ताद, सलामत रहे ना के कई ये मांग तेरी, क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी, क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी, राम बन गए तो मेरी राम बन गए तो मेरी राम बन गए तो मेरी शान चली जाएगी, कई करो जाती शान चली जाएगी, कई करो जाती शान चली जाएगी।
आदरणीय मुकेश गुरु कहना है अंतिम पंक्तियों में रानी के कई से महाराज अरदास कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं रानी मेरी ओर से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। भैया मुकेश जी अपना गीत गाकर कार्यक्रम को विराम देंगे क्योंकि समय भी हो चुका है और आज भी आप लोगों को पूरी रात्रि देखना है क्योंकि आज भी महामुकाबला होने के लिए जा रहा है। आज मेरे गुरु इस मंच पर उपस्थित होंगे इसलिए अंतिम पंक्तियों में रानी कहकर से कहा महाराज ने है रानी सजनी का इस दुनिया में दुनिया में दुनिया में दुनिया में तब कहा सजनी का इस दुनिया में ये साजन ही कहना है आज जो तेरी पहचान है वो मेरे कारण है। जब तक मैं हूं तब तक तुझे जानने वाले हैं लोग। जिस दिन ये दशरथ प्राण छोड़ करके चला गया उस दिन तुझे पहचानने वाला कोई नहीं रहेगा। कह रही है महाराज तुम कैसे सत्यवादी महाराज हो। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। अरे तुम्हारे परिवार में तो ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने धर्म की खातिर लाखों कष्ट सहे और आप सिर्फ एक बात पर नारी के कहने पर इतना टूट गए। महाराज भगवान राम के बन जाने का कारण एक बाली के पास मुकुट भी था जिसमें माँ कैकई और राम की दोनों की मंजूरी थी इसलिए भगवान राम को बन जाना पड़ा। तब कहना पड़ा सजनी का इस दुनिया में ये साजन ही कहना है इसे मत लुटावे रानी इसे मत लुटावे रानी ये लाला का कहना है। तब कहा लल्लू राम अरमानों की लल्लू राम अरमानों की खान चली जाएगी राम बन गए तो मेरी ये राम बन गए तो मेरी ये राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कोई भी किसी भी साथी कलाकार से कमेटी के सम्मान में आप लोगों के सम्मान में जनता जनार्दन के सम्मान में बड़े भैया मुकेश जी के सम्मान में गुरु किशन शर्मा जी के सम्मान में कोई भी गलती से गलत शब्द निकल गया हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।